सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दामन किस तरीके से मोड़ते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। देखो यह दामन हमारे कितनी सफाई के साथ मुड़े हुए हैं। अब देखो हमने पूरी कमीज़ अपनी बना ली है और अब हम दामन मोड़ेंगे। ये हमारा नीचे की साइड है, यहाँ से हमने इसमें एक कट लगा रखा है और यहाँ से हमें इसे मोड़ना है। जितने भी हमें इसकी मोड़ाई में कपड़ा लेना है उसी तरीके से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और सिलाई लगानी है। अपनी मशीन की चाल लंबी कर लेनी है और ना ही हमें नीचे का कपड़ा खींचना है और ना ही हमें ऊपर का खींचना है। और एक हाथ इसमें पीछे की साइड लगाते हुए लंबी लंबी चाल से सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरीके से लगानी है कि जब हम तुरपाई करेंगे तो वो सिलाई हमारी तुरपाई में ना आए। एक पैर लेते हुए हमें और इस तरीके से अपनी सिलाई पूरी कर लेनी है। देखो कितनी सफाई के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। ये दोनों पल्ले मैंने मोड़ लिए हैं। देखो ना तो नीचे के पल्ले में झोल है ना ऊपर के पल्ले में। जो अहमदाबाद से जो साहिन है उसने जो है हमें कॉल किया था कि हमसे दामन नहीं मोड़ा जाता, तो आज मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है कि जो जिस पे पल्ला मोड़ने में परेशानी होती है वो इस वीडियो को देख ले और अच्छे से सीख ले। अब मैं यहाँ से साइड का जो है इसका पल्ला वो मोड़ कर बताऊँगी। एक बार फोल्ड करके फिर दूसरी बार हमें इसे फोल्ड करना है। जहाँ पर हमने निशान लगा रखा था चौक का, वहाँ तक इस तरीके से हमें इसे पीछे की साइड हाथ लगाते हुए देखो इस तरीके से हमें इसे लेकर चलना है। देखो मैं ना नीचे का पल्ला, इसका जो नीचे का कपड़ा है ना, मैं वो खींच रही हूँ ना ऊपर का, हल्का हल्का सा दोनों मैंने इस तरीके से पकड़ते हुए हल्के हल्के हाथ से। और जहाँ पर हमारा जो चाक है ऊपर, ये हम नीचे की साइड से ऊपर की साइड को दामन मोड़ते हैं। देखो कितनी सफाई के साथ हमने ये मोड़ लिया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का पल्ला भी मोड़ लूँगी, वो भी मैं नीचे की साइड से शुरू करूँगी। ये भी हमें एक पैर छोड़ के ही इसमें सिलाई लगानी है ताकि हम तुरपाई कर लें। ये भी इस तरीके से हमें ऊपर की साइड को ही मोड़ना है और ये वाली भी हमें इसी तरीके से सिलाई पूरी कर लेनी है। ये यहाँ तक, अब देखो दोनों पल्ले मेरे ये मुड़ चुके हैं और दोनों की सिलाई मैंने पूरी कर ली है ऊपर तक। देखो कितनी सफाई के साथ हमने ये पल्ले मोड़ लिए हैं। जो नीचे का पल्ला है वो भी हमने देखो कितनी सफाई से मोड़ लिया है। अब आप देख सकते हैं ये पल्ले मैंने मोड़ के तैयार कर लिए हैं और कितनी सफाई के साथ है। देखो कोई भी किसी कपड़े में झोल भी नहीं है ना कोई चुन है। अभी हमने इसमें तुरपाई भी नहीं की है और फिर भी कितनी सफाई।